हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक है क्या, इसे हम लोग रीड आउट करेंगे और समझेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पेटी कैश बुक। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल पेमेंट सच एज कन्वीनियंस कार्टेज पोस्टेज टेलीग्राम्स एंड अदर एक्सपेंसेस कलेक्टिवली रिकॉर्डेड अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर मेड। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा लार्ज नंबर का होता है उसमें हम लोग छोटे छोटे पेमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, जो इस तरह के कुछ एक्सपेंस होते हैं। दीज आर जनरली रेपिटेटिव इन नेचर इफ़ ऑल दीज पेमेंट आर हैंडल्ड बाय द कैशियर एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक द प्रोसीडर इज फाउंड टू बी वेरी कम्बरसम। कहने का मतलब यह है बच्चों कि यह क्या होता है, एक रेपिटेटिव नेचर का होता है और इसको जो हैंडल करता है एक कैशियर करता है, ठीक है। यानी जितने भी प्रकार के जो पेमेंट्स होता है उसे एक कैशियर के द्वारा हैंडल किया जाता है। अगर इसको हम लोग मेन कैश बुक में अगर मेंटेन करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, टू बी वेरी कम्बरसम, यानी एक तरह का क्या हो जाएगा, बहुत ही बोझिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि एक अलग सा एक पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है जिसमें जो छोटे 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 जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है बच्चों। द कैशियर मे बी ओवर वर्डन एंड द कैश बुक मे बिकम वेरी बल्की। क्या होता है, जो कैशियर के पास क्या आता है वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है और बहुत ही बल्की होता है। टू अवॉइड दिस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली अपॉइंट वन मोर कैशियर पेटी कैशियर एंड मेंटेन अ सेपरेट कैश बुक टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन सच अ कैश बुक मेंटेन बाई पेटी कैशियर इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बच्चों कि एक अलग से एक कैशियर को अपॉइंट किया जाता है, पेटी कैशियर कहते हैं, और जितने भी पेमेंट्स होते हैं उसको पेटी कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम लोग पेटी कैश बुक भी कहते हैं। द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन इम्प्रेस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम अ डेफिनेट सम सेज 2000 इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड। दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। द पेटी कैशियर गोज ऑन मेकिंग ऑल स्मॉल पेमेंट्स आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट एंड वेन ही हैज स्पेंट द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट सेज 1780 ही गेट्स रिम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द हेड कैशियर। ही अगेन हैज़ द फुल इम्प्रेस्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। द रिम्बर्समेंट मे बी मेड ऑन अ वीकली फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पेमेंट। इन सर्टेन केस द पेटी कैश सिस्टम इज ऑपरेटेड थ्रू द मेन कैश बुक इट्सेल्फ। इन सच इंस्टेंसेस द पेटी कैश बुक इज नॉट मेंटेन इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इम्प्रेस सिस्टम के द्वारा हमारा पेटी कैश बुक मेंटेन होता है जिसमें क्या करता है कि जो हेड कैशियर होता है जो पेटी कैशियर को क्या करता है, फंड क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और उससे वह क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं उसको उससे माइनस करता है, ठीक है। अगर उस फंड को अगर वो पूरा पेमेंट कर देता है तो क्या करता है, दोबारा वो क्या करता है, जो हेड कैशियर क्या करता है उस खर्च को रिम्बर्स्ड करता है, ठीक है, ताकि वो दोबारा उसे अगेन फंड को वीकली मंथली जब भी वो जो फंड ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उस फंड को पेटी कैशियर के पास सेंड कर सके, ठीक है बच्चों। द पेटी कैश बुक जनरली हैज़ अ नंबर ऑफ कॉलम फॉर द अमाउंट ऑन द पेमेंट साइड क्रेडिट बिसाइड द फर्स्ट अदर अमाउंट कॉलम। ईच ऑफ द अमाउंट कॉलम इज अलाउटेड फॉर आइटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक पेमेंट विच आर मोस्ट कॉमन। द लास्ट अमाउंट कॉलम इज डेजिग्नेटेड एज मिसलेनियस फॉलोड बाई अ रिमार्क कॉलम। इन द मिसलेनियस कॉलम दोज पेमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर विच अ सेपरेट कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट। इन द रिमार्क्स द नेचर ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्डेड। At the end of the period, all amount column are totaled. The total amount column 1 shows the total amount spent and to be reimbursed on the receipt debit side. There is only one amount column, columns
4. The date, vouchers, number and particulars are common for both receipts and payment record. यानी यहाँ क्या होता है बच्चों, जिस तरह हमने कैश बुक पिछली क्लास में देखा था उसी तरह से एक फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड हमारा रिसीप्ट कॉलम होता है और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट कॉलम होता है। तो मान लीजिए कि जो भी फंड हेड कैशियर के द्वारा भेजा जाता है तो हम उसे रिसीप्ट साइड में लिखते हैं और जो भी हम लोग छोटे छोटे पेमेंट करते हैं वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फिर उसको हम लोग ऐड और माइनस करके। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि पेटी कैश बुक है क्या। ये बहुत ईजी है बच्चों। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन है, मोहित द पेटी कैशियर ऑफ समायरा ट्रेडर रिसीव्ड ₹2000। यानी मोहित हमारा क्या है, पेटी कैशियर है, ठीक है बच्चों, समायरा ट्रेडर का, जिससे वो ₹2000 क्या कर रहा है, फर्स्ट में 2017 को रिसीव कर रहा है हेड कैशियर से। फॉर द मंथ डिटेल द पेटी एक्सपेंस आर लिस्टेड हेयर अंडर। तो 2000 क्या कर रहा है बच्चों, रिसीव कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है बच्चों, ये हमारा ईयर हो गया 2017, ठीक है बच्चों। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें और फर्स्ट मे को, यानी मंथ हमारा कौन सा है, मे, फर्स्ट मे, तो हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैलेंस बीडी 2000, ये हमारा कैश रिसीव हुआ है हेड कैशियर से, ठीक है बच्चों। अब जितने भी खर्च हैं क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सारे डिटेल्स हैं, ठीक है बच्चों, एक्सपेंसेस के, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के। तो इसको वन बाय वन हम लोग फॉर्मेट में पुट कर देंगे। ये हमारा मे का मंथ हो गया बच्चों, और लाइन बाय लाइन हम लोग इसको लिखते हैं। पहला है सेकंड मे को बाय टैक्सी फेयर, अमाउंट हमारा हो गया ₹55 मात्र। नेक्स्ट हमारा खर्च हो गया कुरियर सर्विस, डेट हमारा हो गया थर्ड को ₹40, ठीक है बच्चों। सारा हमारा क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा पोस्टल स्टम्प्स 105, फोर्थ को 105, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ को इरेजर शार्पनर पेंसिल, यानी स्टेशनरी का खर्च है तो इसको हम लोग स्टेशनरी में डाल देते हैं बच्चों, 225th। नेक्स्ट हमारा स्पीड पोस्ट चार्ज, हमारा 6 मई को है, अमाउंट हमारा हो जाएगा ₹98। नेक्स्ट हमारा 8 मई को बच्चों टैक्सी फेयर और रिफ्रेशमेंट, अमाउंट दोनों का लिख देंगे बच्चों ₹195 और ₹85। नेक्स्ट हमारा है अगेन ऑटो फेयर 10th को ₹60, अमाउंट हमारा हो गया ₹60 ऑटो फेयर का। नेक्स्ट हमारा 12th को है रजिस्टर्ड पोस्टल चार्ज 42, रजिस्टर पोस्टल चार्ज अमाउंट हो जाएगा 42।
ट्वेल्थ को 22 लगा देंगे बच्चों, 22 छूट गया था, 22। आप लोग साथ साथ अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजेक्शन, टेलीग्राम है, कार्टेज है, तो यहाँ लिखेंगे बाई टेलीग्राम बाई कार्टेज, ठीक बच्चों। 34/25 हमारा खर्च है और डेट हमारा हो गया 13 और 14, ठीक बच्चों। नेक्स्ट हमारा 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी बाय कंप्यूटर स्टेशनरी, अमाउंट हमारा हो जाएगा 165, नेक्स्ट हमारा है 2, एक सेम डेट को 19 मे को बस फेयर एसटीडी चार्ज, एसटीडी चार्ज 19 को 2487। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है 2022 को ऑफिस सैनिटेशन इंक्लूड और रिफ्रेशमेंट, सैनिटेशन और रिफ्रेशमेंट 60/45 रिफ्रेशमेंट, डेट हमारा हो जाएगा 2022। नेक्स्ट हमारा है फोटो स्टेटिंग चार्ज, फोटो चार्ज हो जाएगा, कुरियर सर्विस हो जाएगा 23/28 को, 28 को बाय कुरियर सर्विस, अमाउंट हो जाएगा 47/40। नेक्स्ट हमारा खर्च है अनलोडिंग चार्ज बाय अनलोडिंग चार्ज, और लास्ट हमारा एक्सपेंस है बच्चों बस फेयर, $29.30, ठीक बच्चों। अब हम लोग अमाउंट को टोटल कर लेते बच्चों, इधर हमारा बाई बैलेंस सीड निकलेगा बच्चों लास्ट 31st मे को, इधर हमारा टोटल हो जाता है 2000, ठीक बच्चों। इधर हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाता है, इधर हमारा बैलेंस शीट निकलता है, टोटल हमारा इधर एक्सपेंस निकलता है 1487, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग 2000 में कटाएंगे तो हमारा 513 रुपीज़ अभी भी कैश अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पेटी कैश बुक समाप्त होता है बच्चों। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते बच्चों, आई होप आपको पेटी कैश बुक समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।